हर स्कूल लाइफ में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले ये बैक बेंचर्स जो 40-50% में लाइक करते हैं, ये लोग हर चीज़ में अपनी खुशी ढूंढी लेते हैं। दूसरे ये स्कॉलर्स जो टॉपर्स होते हैं क्लास के, 90-100 मार्क्स लाते हैं लेकिन फिर भी उदास रहते हैं। ये लोग छोटी छोटी चीज़ में भी उदास होने का रीज़न ढूंढी लेते हैं। और फिर आते हैं हम जैसे एवरेज स्टूडेंट्स जो दोनों ही कैटेगरी में लाइन ही करते हैं। इन्हें पता ही नहीं होता है कि इन्हें खुश होना है या उदास होना है। अच्छा तो बच्चों, जो कल मैंने याद करने के लिए दिया था वो याद करके आए हो? यस सर। अच्छा तो जो प्रश्न मैं पूछूंगा उसका उत्तर देना है, ठीक है? तो आगे वाले ये बताओ कि अर्थक्विक क्या होता है। सर मैं बताऊंगा। सर मैं बताऊंगी। सर द डेफिनेशन ऑफ अर्थक्विक इज द सडन शेकिंग इन अर्थ पगली रुलाएगी क्या? बैठ जाओ। थैंक यू सर। ओए बैक बेंचर, तेरे को बुला रहे। अच्छा तो तुम बताओ कि पृथ्वी की शेप क्या होती है? अरे सर इतना इजी क्वेश्चन आपको नहीं पता, प्लेन होती है। प्लेन प्लेन होती है सर, आप भी देख लो सर, प्लेन होती है, वहां तक प्लेन ही है सर। वाह बेटा वाह, इतनी बार तुम्हें पढ़ाया है कि पृथ्वी की शेप इलिप्टिक होती है, यानी के अंडे के आकार की होती है। अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, अगर पृथ्वी की शेप इलिप्टिक मतलब अंडे के आकार की होती तो हम सब गिर नहीं जाते। ए, मैंने क्या जोक मारा है? कर लो बेटा मजाक कर लो, एग्जाम के टाइम मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा। हाँ तुम दोनों बीच वाले, हाँ डोरेमोन की बहन तू ही। हाँ तो तू ये बता कि ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी सर पता है मुझे, बताती हूँ मैं। सर मैं बताऊँ? सर मुझे आता है वो दिमाग में बस जुबान। ऊपर गिरता है किसके नीचे? सर वो जो सर वो आता है मुझे सर, वो ग्रेविटी की जो वो होती है ना पावर होती है सर अपनी तरफ खींचने की, सर वो आती है। और पढ़ो सर, कैसे भूल गई मैं, कुछ होता है यार एप्पल न्यूटन सर। सर वो जो जैसे एप्पल होता है ना उसमें, हाँ सर वो वाला एप्पल जो गिरता है एप्पल। सर वो एप्पल है ना गिरता है वो, हाँ तो सर जो जैसे हमारे अंदर पावर होती है ना लड़कों को अपनी तरफ खींचने की। ओए माँ। बस बेटा बस बैठ जाओ। सर मुझे आता है सर, आ रहा है याद। One hour later. सर याद आ गया सर, सर वो एप्पल नीचे गिरता है सर, वही होता है। क्या बनूं यार मैं बड़ी होके, चल इन सबसे पूछती हूँ। यार इंग्लिश वाली मैम ने होमवर्क दिया था ना कि हमें सोच के आना है क्या क्या बनेंगे, सोच के आए तुम लोग? हाँ। क्या? मैं ना बड़ी होके ना आईपीएस बनूंगी। आईपीएस? वो क्या होता है? अरे रहने दे, जब से बैठ के ना अंगूर बनाई जा रही है, बनेगी आईपीएस। जादू तू बता ना। मेरे तो बचपन से शौक है डॉक्टर बनने का, मैं तो डॉक्टर बनूंगा। हाँ ये तो बन भी जाएगा यार, पढ़ता रहता है दिन रात। और तू? मैं
मैं ठेकेदार बनूंगा अल्कोहल बोतलों वाला। अरे कोई हमें ही पूछ लो हम क्या बनेंगे। हाँ बता दे, तू भी बता दे क्या बनेगा। अरे मैं तो पंजाबी सिंगर बनना चाहता हूँ। ओ पंजाबी सिंगर, आता भी तेरे को गाना दिखाइए गा के। दो बारी गट्टे बिल्लो मारिए इतने छड़ जाने, ओ छड़ जाने दे। तुम मुंबई नहीं आ सकते हो। क्यों भाई, ये मुंबई क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये पंजाब जाएगा ना। ओ टोपी वाला तू बता। मैं नहीं बता रहा। अरे बताना क्या बनेगा। है ना, मैं सब्जी वाला बनूंगा, सब्जी बेचूंगा। 150 200 150 भिंडी 150 50 रुपए किलो 150 150। अरे भिंडी कैसे दे रहा है। अच्छा और हाँ, तुम दोनों इतना हंस रहे हो, तुम दोनों बताओ तुम दोनों क्या बनोगे। तू बता ना क्या बनेगी। जो तू बनेगी वही मैं बनूंगी। मैं भी वही बनूंगी जो तू बनेगी। बनोगे क्या? मैं तो ना टीचर बन जाऊंगी और फिर ना बच्चों को डंडे से मारा करूंगी। बचा दे खुद तो पढ़ ले पहले। टीचर बनूंगी। नंबर तो आते हैं नहीं। किताबी कीड़े कहीं के। टीचर नहीं डॉक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर डॉक्टर बढ़िया है। हो मैं भी डॉक्टर बनूंगी और फिर ना सारे पेशेंट्स को छील डालूंगी। हाँ जो ये बन रही है ना आईपीएस वही बन जाते हैं आईपीएस। हाँ यार इतना कौन पड़ेगा। एक काम करते हैं, मैं तो ना मॉडल बन जाऊंगी, टुक टुक करके चलूंगी। तू तो मॉडल भी बन जाएगी, मैं कैसे बनूंगी। हाँ ये भी बात सही है, तू तो मॉडल नहीं बन सकती। एक काम कर सब छोड़, वीडियो बनाते यूट्यूबर बन जाएंगे। ये अच्छा आइडिया है। हम दोनों तो ना यूट्यूबर बनेंगे और मैं तो ना अपने नाम का चैनल भी खोलूंगी फैंसी नैंसी, और उस पे मैं एक्ट्रेस होऊंगी। इंग्लिश वाली टीचर ने ना होमवर्क भी दिया है, अभी थोड़ा मां ध्यान दे दो, यूट्यूब पे ध्यान दे। हां ठीक है, सोचो सोचो। यार बस एक हफ्ता रह गया है, मैंने सिर्फ 6 बार रिवीजन किया है, अभी तो 3 बार और करनी है, कैसे होगा सब। यार ये रोहन कितना स्मार्ट हो गया। वाह पहले तो कितना चमकू सा लगता था। ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ, ध्यान से पढ़ियो। ठीक है। हाँ मम्मी। अरे कितना हैंडसम होता जा रहा है दिन पे दिन, इसको तो मैं ही पटाऊंगी। अच्छा लग रहा है। हेलो मुझे भी यही वाला लड़का पसंद है। अरे तो लग गए। बेटा ये फोन हमें हमने तुम्हें लड़के तारने के लिए दिया हुआ है। मम्मी। हाँ बेटा तू पढ़ रही है, ये पढ़ रही है, कमी कमीनी, तूने हमारी नाक कटवार के छोड़ इस लड़की ने, कभी इस लड़की के 45 से ऊपर नंबर नहीं आया। वही शर्मा जी की लड़की से कुछ सीख, ये नहीं कि हम डॉक्टर बन जाए टीचर बन जाए, नहीं लड़के तारने हमें, लड़के तारती रही हो, ये मत करो कि अमीर का लड़का फंसा लिए, नहीं तेरे से तो वो भी नहीं होगा, मेरे से तो शादी करवा दूंगी मैं। जिंदगी बर्बाद कर रखी है हमारी तो इस बच्चों ने। कमाओ इनको बच्चे के ऊपर लगाओ और ये बच्चे ऐसे करते हैं।
अरे यार पूरी बुक पढ़ ली, सब पढ़ लिया, अब क्या करूँ? रिवीजन करता हूँ एक और बार। स्कूल में तो हम ही टॉप करेंगे। हमें ही टॉप मारना है। अबे यार मैंने ये वाला चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं, और ये तो बुक में ही नहीं था, अब कैसे आ गया? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये भी नहीं पढ़ा मैंने तो, ये सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए। जल्दी दे जल्दी दे। अरे भाई यार बड़ी देर से खेल रहे हैं, चलना पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ नंबर आ जाएंगे और पेपर पास हो जाएंगे। बकवास मत कर, वैसे भी 0 ही नंबर आने हैं, पढ़ ले चाहे मत पढ़, मैच का मजा किरकिरा मत कर, बोल फैक्ट। ओए वो देख, वो दोनों कितना पढ़ रही हैं, ये कहीं हमसे ज्यादा नंबर ना ले जाए। अरे तू कुछ जुगाड़ तो लगा फिर। तू रुक मैं अभी आती हूँ। जा 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 जा। ओए नैन्सी काम्या, तुमने वो मूवी देखी अभी से? कौन सी नई मूवी आई है, क्या नाम था यार उसका, मैं भूल गई। हाँ भूल भूलेगा। हाँ मैं तो कल ही देख के आई हूँ, मस्त मूवी थी। मैंने देखी तो नहीं है लेकिन मैंने गाने सुने हैं। हाँ तुमने वो गाना सुना है, आ मुझे तुम तुम्हार शुदु जी तुम्हार। अब तो हम ही टॉप मारेंगे। मुझे अच्छे से तो पढ़ा था कल। क्या था क्या था क्या था? ओपे इतने सारे शीट्स भर दी इन लोगों ने। आमी जी तुम्हार शुद्ध जी हम। ओपे यार ये गाने क्यों चल रहा है दिमाग में? ये सब इस डॉली के काम है, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। ये सब क्या बन के घूम रहे हैं? ये डॉक्टर लग रहा है, ये पुलिस वाली, और इसका तो पता ही नहीं चल रहा, और मैं सब्जी वाला हूँ। अरे छोड़ना मुझे क्या। 150 150 150 के नींबू टमाटर ले लो, घिया तोरी लीची अमरूद सब कुछ ले लो। अबे कमीज से, पुलिस वाली हूँ मैं। अबे ओ पुलिस वाली बनी है तू अभी? स्कूल में तो मेरी सेटिंग थी। और हाँ तू क्या देख रहा है, ये क्या उलिया बना रखा है? इलाज करता हूँ तेरे जैसे कुत्तों का। वे, चुप। पहले तू अपना तो इलाज कर ले, कुत्तों का इलाज करेगा। और ये क्या निकाल लिया? क्या ये? शट अप, आई एम जस्ट हाउसवाइफ। ये नैन्सी कहाँ रह गई? मेरे बच्चे घर पे भूखे हैं। See it right now.
जी का बवाल है। काली गाड़ी, इसका मतलब मोटा पैसा छाप रही है ये। पूरे दादा जी का देख लियो। हाय गाइस। अरे नैन्सी तू? हाँ मैं, और तुम लोग बताओ कैसे हो सब? स्कूल में से तो तुम? अरे वो छोड़ यार, तुम्हें पता है मैं ना बहुत बड़ा बिजनेस करने लगी हूँ। मैं एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बन गई हूँ। वो गाड़ी देखे तो मेरी ब्लैक कलर की, देखो ड्राइवर भी बैठा हुआ है उसमें, और मैं तो बस ना पीछे बैठ के और ऑफिस में जाती हूँ और कुछ भी नहीं करती हूँ मैं। तुम लोग बताओ क्या कर रहे हो आजकल स्कूल में? अरे वो छोड़ो यार, तुम्हें पता है एक एक सेकंड में मेरा 10-10 करोड़ का नुकसान हो जाता है, पूरे 10 करोड़ का। तो मैं अभी तुम लोगों से बात नहीं कर सकती हूँ, कभी और मिलेंगे अगर मैं फ्री हुई तो। ओके बाय। घरवाली बेइज्जती, चलो अब। जिसकी जैसी किस्मत, चलो मुझे तो बच्चे पालने हैं। ये ले 100 रुपए तेरी गाड़ी का खर्चा। 100 रुपए? 500 रुपए हुए 500 रुपए। पागल है क्या, 500 रुपए किस चीज के? तेरी गाड़ी के इतने ही बनते हैं, और वैसे भी दोस्ती के नाते तो इतना तो कर ही सकता है ना। तेरे दोस्तों के सामने तेरी हवा बनवा दी, 500 रुपए लगेंगे पूरे 500। हाँ ठीक है ठीक है, 500 नहीं मेरे पास, ये ले 100 पकड़ अभी। चल ठीक है 100 रुपए दे दे, लेकिन रात की पार्टी का खर्चा तो उठाएगी। हाँ देख लेंगे वो, चल जा तू। चलो सही है, 100 रुपए में दोस्तों के आगे हवा बन गई। और अगर इन्हें पता चल जाता ना कि मैं तो आज भी बेरोजगार हूँ, मेरी तो बेइज्जती हो जाती।